अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एमके डिविजन में आप तमाम का इस्तकबाल है। खबर है हैदराबाद शहर के इलाके बंजारा हिल्स पुलिस हदूद से, जहां एक तरफा मोहब्बत में देवर ने अपने ही भाभी पर कर दिया हमला। बंजारा हिल्स के इलाके पैरामाउंट कॉलोनी में एक लड़की जिसका नाम नईमा शेख है, उसके ही देवर ने उसके दोस्तों के साथ उसके घर वालों पर और उस पर कर दिया हमला। तफसीलात के मुताबिक पैरामाउंट कॉलोनी में रहने वाली नईमा शेख और वहीं के रहने वाले जुनेद अहमद खां के बीच 3 साल से मोहब्बत का रिश्ता था, जिसे 3 हफ्ते कबल इन दोनों ने जुनेद अहमद खां और उनके घर वालों के खिलाफ जाकर शादी कर ली। 22 अक्टूबर की रात तकरीबन 10:30 बजे नईमा शेख के देवर उमेर अहमद खां, अब्दुल्ला हसन और उनके दोस्तों ने इनके घर पर हमला कर दिया। और नईमा शेख का कहना यह है कि अब्दुल्ला हसन ने उनकी शर्मगाह पे मारा और उनके वालिद वालदा से भी बदतमीजी की और मारपीट की। जब नईमा शेख से इस हमले की वजह पूछी गई तो नईमा शेख ने बताया कि इनके देवर उमेर अहमद खां बार बार इनसे मोहब्बत के दावे करते रहे, मगर नईमा शेख उनसे वाजे तौर पे कहती रही कि वो जुनेद से मोहब्बत करती है और उसी से शादी करेगी। बावजूद उसके उनके देवर ने उन्हें बार बार धमकियां दी और कुछ खबर पहले एसिड डालना और रेप करने की भी धमकी दी, ऐसा नईमा शेख का कहना है। आइए नाजरीन नजर डालते हैं एक तफसीली रिपोर्ट पर, हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अब्दुल रऊफ के साथ एमके डिविजन के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नईमा है, मैं पैरामाउंट कॉलोनी से हूँ। मेरी शादी 3 हफ्ते पहले हुई। मेरे देवर उमेर अहमद खान और उनके दोस्त ताहा शाह मेरा 3 महीने से पीछा कर रहे, क्योंकि वो लोग मुझ में इंटरेस्टेड थे और मुझे कई बार रेप और एसिड फेंकने की और मर्डर की धमकियां दिए, लेकिन मैं फैमिली मैटर समझकर मैं छोड़ दी थी। लेकिन शादी जैसा वो लोग को पता चला हो गई, तो वो लोग मेरे माँ बाप के घर पे, जब मैं मौजूद थी वहाँ पर, आकर मेरे साथ बदतमीजी करे, हैरेसमेंट करे, असॉल्ट करे, मेरे प्राइवेट पार्ट्स पर मारे। अब्दुल्ला हुसैन और अनस हुसैन मेरे प्राइवेट पार्ट्स पर मार के मेरे वालदा को कमरे से बाहर निकाल के उनको मारे, और मेरे वालिद साहब को मारे, उमेर अहमद खान मेरे वालिद साहब को मारे, और उसमें ताहा शाह और एक आदमी जिसका नाम मैं नहीं जानती लेकिन चेहरे से मैं वाकिफ हूँ, वो लोग 5 मिलकर मेरे बूढ़े माँ बाप जो 65+ है उनके ऊपर जुल्म और मुझ पर जुल्म करे, और मेरे अकेले शोहर उनका सबका मुकाबला करे, वो लोग के 5 के साथ और कई सारे लोग थे जिसका मैं किसी से वाकिफ नहीं हूँ, वो लोग बहुत ज़्यादा जुल्म करे। मैं चाहती हूँ कि मुझे जस्टिस मिले, वो लोग 5 को सज़ा मिले, सिर्फ मेरे लिए नहीं, क्योंकि बसेस, ट्रेन्स, हाईवे, स्कूल बोर्ड्स पे रेप नहीं होना चाहिए, मैं जानती हूँ, लेकिन हम जैसी औरतें अपने माँ बाप के घर में भी सेफ नहीं है। तो आई वॉन्ट जस्टिस एंड आई होप मुझे पुलिस वाले जस्टिस दिलाएंगे। 22nd के दिन ये हुआ था, आज 26th है, वो लोग अब तक अरेस्ट नहीं है। मेरे सामने, आंखों के सामने, खुला मेरे मोहल्ले में वो लोग खुला आम घूम रहे, क्योंकि अब्दुल्ला हुसैन माजिद हुसैन के अंडर में जो काम करते शहबाज गुल्लू, उनके भाई है बोलकर मुझे थ्रेटिन करे कि मैं उसका भाई हूँ शहबाज गुल्लू का, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो अब्दुल्ला हुसैन और अनस हुसैन जैसे लोगों को, और जो भी पैसे वाले जैसे लोग हैं जो हम जैसे लोगों के ऊपर जुल्म कर रहे, मुझे इंसाफ चाहिए इन लोगों से। थैंक यू। ये हुआ कि क्या से झगड़ा आपके साथ, पूरा क्यों हुआ? क्योंकि मेरी शादी हुई, इट्स ए लव मैरिज, मेरी शादी हुई और वो लोग इंटरेस्टेड थे, उमेर अहमद खान और अब ताहा शाह 3 महीने से मुझे फॉलो कर रहे, 3 महीने से मुझे थ्रेटन कर रहे, 3 महीने से मुझे बहुत ज़्यादा थ्रेटन करे, लेकिन मैं फैमिली मैटर समझकर मैं कुछ एक्शन नहीं ली, कुछ भी नहीं करी। जब मुझ पर बीती, मुझे पता चला कि घर में घुस के जब ये लोग रेप कर सकते, हम अब लड़कियां सेफ नहीं है। तो आप कंप्लेंट कहां पर दे रही हैं? मैं बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करी 22nd के दिन, ये रात में 10:30 अराउंड हुआ ये हादसा, मुझे अब तक कोई जस्टिस नहीं मिला। मैं जस्टिस के लिए आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे जस्टिस दिलाइए। ओके,
लोग किससे हथियार इस्तेमाल करे? वो लोग के हाथ में बेस बैट हॉकी स्टिक समथिंग ऐसा कुछ था, वो सीसीटीवी फुटेज में है, सब कुछ वहाँ पर क्लियर है सीसीटीवी फुटेज में। क्राइम ब्रांच वाले आए, सारी इन्वेस्टिगेशंस करे और ऑन द स्पॉट के जो मेरे पास मेरे घर पे पूरा सामान तोड़े, मेरे जो माँ बाप को ढक ले एंड ऑल दैट, पूरे सीढ़ियों से लेकर मेरे पूरे घर के अंदर तक के सारे फोटोज, बंजारा हिल्स कॉन्स्टेबल जो तीन आए थे जिसका नाम मैं नहीं जानती, वो लोग के पास सारे प्रूफ्स है। आपके शौहर इस बात में क्या बोल रहे हैं? मेरे शौहर इतना ही बोल रहे कि हमें एक जस्टिस चाहिए।